हेलो निशु, माँ। निशु क्या हुआ बच्चा? बेटा तू ठीक है ना? देख हार नहीं मानना, ये जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, हम दूसरी ढूंढेंगे, नहीं तो कोई और। माँ मुझे जॉब मिल गई। क्या सच? हाँ माँ, अपना पापा को भी बता देना, उनका फोन नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच माँ। अगर आप और पापा मुझसे बात नहीं करते ना, तो मैं तो सोती रह जाती, यहाँ आती नहीं। आई लव यू माँ, थैंक यू। लव यू टू बेटा। माँ अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूँगी। बाय। कीर्ति, निशु का यूनिफॉर्म वाला पिक भेज। ज्वालू, निशु ब्रो, आई एम प्राउड ऑफ यू। निशु ये मैसेज पढ़ेगी ना, बहुत भाव खाने वाली है। ओए, इधर आ, तेरी ना यूनिफॉर्म वाली पिक्चर की बड़ी डिमांड आ रही है। क्या कर रहा है सौरभ? रुक, लोगो चाहिए मुझे, इधर खड़ी हो जा। भाई तेरे कजन्स को फोटो भेजनी है, तुझे पता है ना, वरना मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। जल्दी कर यार, विराट सर बुला रहे हैं मुझे। सर एक मिनट रुक जा। अबे ऊपर कहाँ देख रही है? इशू इसमें देख, कैमरे में। इधर। Yes. मस्त है ना एकदम? भेजता हूँ अभी सबको। मैम आपको विरासत बुला रहे। हाँ, चलो ठीक है, ये बाय। मैं कमिंग सर। आइए मिस निशा। नाम ठीक कहा ना हमने? फाइनली, थैंक गॉड। सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अब आप प्लीज पहले ही दिन सैलरी बढ़ाने की बात मत कीजिएगा। हमने दाजी के साथ बैठकर पूरी रिसर्च की है। 15,000 रुपए में आप अपना मोबाइल का बिल, आने जाने का खर्चा, आपके कपड़े वगैरह और 4 हफ्ते की सब्जी खरीदने के बाद भी आपके पास पूरे 2,000 रुपए बचते हैं। थोड़ा मुश्किल है पर हो सकता है। आप इस जॉब के लिए तैयार है ना मिस निशा? हम आपके हर जवाब का सामना करने के लिए तैयार है। और आप सवाल बहुत ज्यादा करती है। लेकिन नहीं सर, मैं सैलरी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछ सकती हूँ प्लीज? सर कल रात को तो आपने मुझसे कहा था कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, तो फिर आपको अपने कान और तेज करने पड़ेंगे मिस निशा। हमने कहा था कि आप डिसाइड करेंगे कि आप इस जॉब के लायक है या नहीं। आज आपने यहाँ आकर प्रूव कर दिया है कि आप इस जॉब के लायक है। जिद्दी है आप, और हमारी अकेडमी में काम करने के लिए जिद बहुत जरूरी होती है। वैसे मैं पूरा भरोसा था कि आप जरूर आएंगे, इसीलिए हमने कल रात को ही आपका फॉर्म साइन कर दिया था। ओ तेरी, अगर मम्मी पापा मुझसे बात नहीं करते और पापा मुझे उठाते नहीं, तो मैं तो सोती रह जाती यार। कुछ कहा आपने? काम करे? यस सर। आपका पहला असाइनमेंट, 3 शूटर्स कल से एकेडमी में प्रैक्टिस शुरू करेंगी। प्रियंका से तो आप मिल ही चुकी है, वो ऊपर इंतजार कर रही है। इन तीनों को शूटिंग रेंज तक पहुंचाने का जिम्मा आपका है। जी सर। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। जी सर। रन। सॉरी सर। इस एकेडमी की रक्षा करना और हमारी भी। यार भैया अभी ना दो लड़की आएगी, एक का नाम एकता है और एक का नाम अंजलि है, उनके आते ही मुझे बता देना। वो तो आ चुकी है, वहां सोफे पर बैठी है। पक्का यही है? श्योर मैम। दो मिनट हो गए, अब 3 मिनट के अंदर प्रियंका को लेकर आना है। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका!
बात सर तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, चलिए चलो। मैं नहीं आ सकती, मेरे पैर में मोच है। क्या? 2 मिनट में इसे नीचे लेकर जाना है। पहले ही दिन दिए हुए काम में फेल हो जाऊंगी। नहीं 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 निशु, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन करूँ क्या? प्रियंका, प्रियंका, विराट सर तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। आज तुम्हारी शूटिंग प्रैक्टिस है ना? ओह गॉड, तुम्हें हमारी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? हमने तुमसे कहा ना, हमारे पैर में मोच है, हमें इतना दर्द हो रहा है कि हमें रोना आ रहा है। लेकिन मुझे तो तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं दिख रहा। अब दिख रहे हैं? अब भाई को जाके बोलो कि प्रियंका नीचे नहीं आ सकती। ये तो ड्रामे वाली पार्टी लग रही है यार। इसे अगर मैं नीचे नहीं लेके गई तो पक्का फेल हो जाऊंगी यार। I'm so sure कि ये एक्टिंग कर रही है। इसकी एक्टिंग को एक्सपोज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ओवर एक्टिंग। यस। हाँ सर, मैं निशा बोल रही हूँ। वही निशा जिसको आज आपने ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए कंफर्म किया। मिस निशा, हमें सब याद है। आपको हर बार हमसे बात करते वक्त अपनी कलरफुल हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं। सब वो तो आप हमेशा भूल जाते हो ना सब, इसलिए। इस फोन कॉल का पॉइंट क्या है? सब पॉइंट ये है कि मिस प्रियंका जो है ना, उनके पैरों में बहुत बड़ी मोच आ गई है। सब बस रोई जा रही, आंसू रुक ही नहीं रहे सर, और सांसें भी फूल रही है। व्हाट? हम अभी ऊपर आ रहे हैं। ओके सर। इतना सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे प्रियंका, स्कूल में ना मैंने बहुत बार किया है, जब तक आप ओवर एक्टिंग ना करो ना तो कोई मानता ही नहीं यार, मैं क्या करूं? तो तुम्हें क्या लग रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हुआ आपको? भाई बहुत दर्द हो रहा है। आउच। प्रियंका रिलैक्स। भाई रिलैक्स। भाई हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हम है ना, अब आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और एथलीट की लाइफ में चोट लगना तो बहुत आम बात है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये चोट किसी नाइट क्लब में ना लगे। नहीं घबराइए नहीं, हम आपको अभी स्प्रे लगा देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कुछ भी हो जाए, इस साल की स्टेट चैंपियनशिप की प्रैक्टिस एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई, आई डोंट थिंक सो, स्प्रे से भी कुछ ठीक होगा। मैं कल प्रैक्टिस कर लूं प्लीज। सब मैं लगा दूं स्प्रे? अब भी टाइम है, सोच लो। ये स्प्रे ना बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें बहुत चलेगा, तुम चिल्ला चिल्ला के थक जाओगी। मिस, जो भी तुम्हारा नाम है, हम बच्चे नहीं है जो इससे डर जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं इनसे पूछ रही थी कि एग्जैक्टली कहाँ लगा? कहाँ लगाए? ठीक है फिर, अब मैं क्या कर सकती हूँ, लगाओ स्प्रे। तुमने हमसे झूठ बोला? कहाँ है छिपकली? दिमाग में। कई बार ना दर्द दिमाग में ही होता है, और सलूशन भी दिमाग ही करता है। सिर्फ तुम्हारा दर्द कम करने के लिए झूठ बोला था। पेन के बदले शौक हमेशा वर्क करता है। देखो तुम्हारा दर्द गायब हो गया और तुम बिल्कुल ठीक हो गई। मैजिक। अब आप ठीक है ना प्रियंका? तो फिर 2 मिनट में नीचे मिले। और आप ये पार्टी ड्रेस में क्यों है? ओ भाई, कल रात को मैं लेट हो गई थी। भाई आप चलिए ना, मैं आती हूँ। वैसे भी एकता अंजलि मेरा वेट कर रहे होंगे। सर आप चलिए, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। आप हमें माफ कर दीजिए प्रियंका, पिछले 2 साल हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम आपका ख्याल नहीं रख पाए।
और अब हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस साल की स्टेट चैंपियनशिप्स आप ही जीतेंगे, ये वादा है हमारा। चेंज करने के लिए हेल्प चाहिए? नो थैंक यू, बाहर जाओ, हम अपने आप आ जाएंगे। भाई की चमची, इस चमची की बैंड तो हम ही बजाएंगे। कम प्रियंका, एक तो और अंजलि आपकी कब से वेट कर रहे हैं। हमारा बैग पकड़ी है, हमें अपने फ्रेंड्स से मिलना है। एक्सक्यूज मी, मैं एकेडमी में ऑफिस असिस्टेंट हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कम सिट, सो लेडीज, आप तीनों ये जानती ही होगी कि आज हमने आपको एकेडमी क्यों बुलाया है। प्रियंका, एकता और अंजलि, आप तीनों ने दो साल पहले ना सिर्फ लक्ष्य एकेडमी के लिए बल्कि स्टेट के लिए भी कई मेडल जीतकर यह साबित कर दिया है कि आप इस एकेडमी की बेस्ट शूटर्स हैं। पर इन दो सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। हमारे एक्सीडेंट के बाद हमें खबर मिली थी कि आप लोगों ने एकेडमी आना ही छोड़ दिया। आपने प्रैक्टिस करना क्यों छोड़ दिया ये हम नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं, पर हम ये जरूर जानते हैं कि अगले दो महीने में स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स है और लक्ष्य एकेडमी को आप तीनों की टैलेंट्स की जरूरत है। आप तीनों में से बेस्ट शूटर उस चैंपियनशिप में हमारी एकेडमी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या अब भी आप में वो दम है जो दो साल पहले हमने देखा था, ये आप हमें बताएंगी। कल से बिना एक भी मिनट वेस्ट किए आप सब अपनी शूटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्योंकि लक्ष्य एकेडमी का फ्यूचर आप तीनों में से किसी एक के हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी के नए चैलेंज के लिए तैयार है? यस सर, तैयार है। नथिंग स्टफ। सर, आई मीन ये लोग तैयार है, वो मैं। मिस निशा, कल से ये तीनों प्रैक्टिस करेंगे, आप प्लीज सारे अरेंजमेंट्स कर दीजिएगा। यस सर। थैंक यू। आई होप इन दो सालों में आपकी टैलेंट को जंग नहीं लगा। निशाना लगाना भूल तो नहीं गई आप तीनों? भाई, एक बार कोई निशाना लगाना सीख जाए तो ऐसे थोड़ी ना भूलता है, आपसे ही सीखा है। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको निराश होने का मौका नहीं देंगे। वाव सर। यस मिस निशा। सर, क्या सच में जब कोई निशाना लगाना सीख जाता है तो कभी भूलता नहीं है? बेब, ये राइफल शूटिंग है, ट्रिगर तो कोई भी दबा सकता है, इसे समझने के लिए टैलेंट और प्रैक्टिस चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट मिस निशा, तीर और कमान तो सबके हाथ में है, पर मछली की आंख सिर्फ अर्जुन जैसे कोई दिख सकती है, और अर्जुन बनने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हर कोई अर्जुन नहीं बन सकता। और एकलव्य? एकलव्य भी तो अर्जुन जितना ही अच्छा था ना। पॉइंट नोटेड मिस निशा। आज आपका ऑफिस में पहला दिन है तो आप घर जल्दी जा सकते हैं। ओके सर। और कल से प्रॉपर ट्रेनिंग। हे प्रियंका, अंजलि, मेरे फ्रेंड के पास बनी सिंह के लाइव परफॉर्मेंस के 3 टिकट्स हैं। वाओ! चले? ऑफ कोर्स, इसमें कोई पूछने की बात है? जल्दी पता करो टिकट्स कहाँ से पिक करनी है। लेकिन बाय द वे, कल तो आपकी शूटिंग प्रैक्टिस है 5 बजे। कान हमारे भी हैं और हमने भी सुना भाई ने क्या कहा, तुम अपने काम से काम रखो। वो मैं सिर्फ, हम ऑफिस असिस्टेंट्स के मुंह नहीं लगते। कम ऑन गर्ल्स। इसे तो देख के ही लगता है कि ये माय माय की बेटी है। व्हाई व्हाई गॉड व्हाई। निशा मैम, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। ओके।
किसी को इस घर में मेरी कोई परवाह ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है मेरी, ना मेरे परिवार की। सब अपने आप में लगे हुए हैं। इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं करता। हाथ मत लगा मुझे। अरे बटर स्कॉच मेरी बात तो सुनो। डोंट स्कॉच मी बटर। तुम हमेशा मेरा ही मुंह बंद करवाते हो ना। हाँ, एक बार अपनी मम्मी से नहीं पूछ सकते थे कि क्यों उन्होंने मेरे मम्मी पापा को डिनर पे नहीं बुलाया? पता है तुम्हें, जब तुम लोग हमारे घर पे आते हो तो मेरा सारा परिवार जुट जाता है तुम लोगों की आवभगत में। और यहाँ यहाँ मेरे मम्मी पापा पहली बार आ रहे हैं और तुम लोग कहीं और ही डिनर करने जा रहे हो? हाँ डॉली, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मम्मी से बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बात करने की, और कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी मम्मी की। अपने मम्मी पापा का स्वागत मैं खुद कर सकती हूँ। तुम लोग को जहाँ जाना है ना जाओ, जहाँ खाना है खाओ। अपने मम्मी पापा के लिए मैं खुद खाना बनाऊंगी, और अगर नहीं हुआ ना तो मैं बाहर से मंगवा लूंगी, समझे तुम? डॉली, अरे यार पता नहीं क्या ड्रामा होने वाला है घर पे। अमन, देख मैं तेरे लिए क्या लाया, गर्मा गर्म खाना। अमन हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। अमन मुझे पता है वक्त बहुत मुश्किल है, पर हम दोनों को बहुत स्ट्रांग रहना है। अमन मुझे देख तो सही। देख अमन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा लड्डू है ना तेरे साथ, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है? चल अब जल्दी से कुछ खा ले, तूने कितने टाइम से कुछ नहीं खाया होगा। देख सब कुछ तेरा फेवरेट है, रायता, दाल और रोटी, जल्दी से जल्दी से कुछ खा ले। अमन प्लीज कुछ थोड़ा सा खा ले। ऐसा क्यों बोल रही है? मैं हूं तेरे साथ। तो मेरे साथ है? क्यों बोल रही हूँ ये सब? तेरे मेरा हिम्मत ही नहीं है उमेश। तू जाके अपने पापा के सामने ना हमारी शादी के बारे में बात ही नहीं कर सकता। अमन ऐसी बात नहीं है, डॉली के ससुराल में प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं नहीं बता पाया। अमन सही वक्त आने पर मैं बोल दूंगा। सही वक्त कब आएगा ये सही वक्त? लड्डू मेरे बाबूजी सही वक्त अमन, तू कहीं नहीं जाएगी, ये तेरे लड्डू का प्रॉमिस है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तेरे चाचा भी नहीं। लड्डू मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरी सारी बातों पे भरोसा करती हूँ, पर मुझे डर लगता है कि ये सारी बातें ऐसी ना रह जाए। लड्डू नहीं रहेंगी अमन, मैं वादा करता हूँ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, मत करो एक दूसरे से ऐसे वादे जो कभी पूरे नहीं होने वाले। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा अंकल।
मुझे बस एक हफ्ते का टाइम चाहिए, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। ओए तू क्या ठीक करेगा, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। डाला मनप्रीत अंदर। अंकल आप अमन के साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओए कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा और भूल जाऊंगा कि आप बड़े हो। चल निकल यहां से। ओए मैं भी भूल जाऊंगा कि तू बच्चा है। मैं अमन के बिना यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। ओए मैं भी देखता हूं तू कैसा नहीं जाएगा। लड्डू लड्डू। ओए रोना बंद कर, चल अंदर जाके सामान पैक कर अपना, और हम लोग आज ही जा रहे हैं जलंधर। ओए लड्डू शड्डू नहीं, चल अंदर। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।